अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। 26 क्वेश्चन में बच्चा हमारे पास दो चॉइसेस हैं। पहले हम चॉइस ए सॉल्व करेंगे, उसके बाद चॉइस बी। तो चॉइस ए में हमें बोला है इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है। देखो बच्चा मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ कर रखी है और उसमें यह कहा है कि डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि डी बी सी का मिड पॉइंट है और ई ए बी का मिड पॉइंट है और एफ हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एफ बी डी, ट्रायंगल एफ बी डी देखो बच्चा कौन सा है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाला, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। और साथ में ट्रायंगल डी ई एफ, देखो बच्चा डी ई एफ ये वाला ट्रायंगल हो गया, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, जो बड़ा वाला मेन ट्रायंगल है ए बी सी, उसके सिमिलर करना है डी ई एफ को। बच्चा गिवन और टू प्रूफ इधर मैंने लिख दिया है। अब बच्चा हम प्रूफ पे आते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो इसके लिए बच्चा हम सबसे पहले जो एक क्वाड्रिलेटरल है ना एफ बी डी ई, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ करेंगे ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने में हेल्प करेगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम बन जाता है तो कैसे हेल्प करेगा, अगर मान लो एफ बी डी ई हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। और उसके अलावा एफ ई पैरेलल टू बी डी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। उससे क्या होगा कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये मैंने मार्क किया बच्चा, क्योंकि ये जेड बना रहे हैं ना, उल्टा जेड बना रहे हैं चाहे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे। तो ए ए से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब इश्यू ये है कि हम एफ बी डी ई को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें, ध्यान से समझना बच्चा। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं कि एफ ई पैरेलल टू बी सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम कहती क्या बच्चा, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल की मिड पॉइंट ऑफ टू साइड को ज्वाइन करती है, जैसे इसमें टू साइड ए बी और ए सी है और उनके मिड पॉइंट एफ और ई को लाइन सेगमेंट एफ ई ज्वाइन कर रही है, तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो थर्ड साइड इसमें बी सी है, तो एफ ई पैरेलल टू बी सी हम कह सकेंगे। तो पहले हम गिवन लिख देते हैं कि एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ओके, एफ मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि एफ ई पैरेलल टू बी सी, एंड इसका रीजन होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब बच्चा एफ ई पैरेलल टू बी सी हो गया तो एफ ई बी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि बी डी बी सी का ही पार्ट है ना। अगर कोई लाइन सेगमेंट गिवन लाइन सेगमेंट के पैरेलल है तो उसके पार्ट के भी पैरेलल होगी। अगर एफ ई बी सी के पैरेलल है तो एफ ई बी डी जो कि बी सी का एक पार्ट ही है उसके पैरेलल भी होगी। तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट एफ ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। ओके, अब एक पेयर अपोजिट साइड का हमारा पैरेलल प्रूव हो गया। अगर हम अब दूसरे पेयर को भी पैरेलल प्रूव कर देना इस क्वाड्रिलेटरल एफ बी डी के अपोजिट साइड के दूसरे पेयर को भी पैरेलल प्रूव कर दे तो ये एक पैरेललोग्राम माना जाएगा। तो वो कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। अब देखो बच्चा डी और ई मिड पॉइंट है बीसी और एसी रिस्पेक्टिवली के, डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है और ई जो है एसी का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को कौन सी लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है डी ई, तो डी ई थर्ड साइड के पैरेलल होगी। दो साइड तो बीसी और एसी हो गई जिनकी हमने मिड पॉइंट लिया है, और थर्ड साइड कौन सी हो गई ए बी, तो डी ई पैरेलल टू ए बी भी हो जाएगा। ओके, और ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम होगा। तो हम देखेंगे डी ई पैरेलल टू ए बी, और क्योंकि कोई रीजन अगर क्वेश्चन में रिपीट होता है ना सेम क्वेश्चन में, तो हम उसको एस्ट्रिक मार्क करके सेम लिख सकते हैं। ओके, तो सेम रीजन से ये हो गया। अब डीई पैरेलल टू ए बी अगर हो गया हमारा तो डीई पैरेलल टू बी एफ भी होगा, क्योंकि बी एफ ए बी का ही पार्ट है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट डीई इज पैरेलल टू बी एफ। ओके, तो हम लिखेंगे सिंस बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ बी डी ई एफ आर पैरेलल, therefore BDEF is a parallelogram। तो BDEF हमारा parallelogram हो गया। तो इसी तरह से बच्चा हमें आगे requirement होगी second part में, हम FDCE को भी parallelogram prove करेंगे। तो हम लिखेंगे similarly FDCE is also a parallelogram। इसको बच्चा FDCE को parallelogram prove करना भी हमें जरूरी होगा second part के लिए। तो इसको भी आप mind में रखना कि FDCE भी एक parallelogram है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट के तो मैं पार्ट्स अब तुम आपको पहले ही बता चुका हूं। एक तो ये हो जाएगा कि एंगल वन इक्वल टू टू, यानी कि जैसे एंगल बी और ई, क्यों मैं भी बताया था कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल वन इक्वल टू टू रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
सो देयर फोर ट्रायंगल एफ बी डी इज प्रूव सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय ए ए सिमिलरिटी। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट तो बच्चा प्रूव हो गया, अब हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। अब देखो सेकेंड पार्ट के लिए हम यूज करेंगे इस वाले पार्ट का कि एफ डी सी ई एक पैरेललोग्राम है, इसका यूज करेंगे एफ डी सी ई पैरेललोग्राम का। उसके लिए हमें यहां पर एक एंगल मार्क करना होगा जिसे हम नंबर दे देंगे एंगल 5। ओके तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें कौन कौन से पार्ट ले सकते हैं, एक तो एंगल 3 इक्वल टू 5, तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एक तो यही पार्ट हो गया। और दूसरा एंगल 2 इक्वल टू 1, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, या 1 इक्वल टू 2 लिख लो या 2 इक्वल टू 1 लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूव्ड, और 3 इक्वल टू 5 का रीजन ये वाला होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सेम रीजन हो गया 3 इक्वल टू 5। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हो गए। तो हम कह सकेंगे ट्रायंगल डीईएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी बाय एए सिमिलरिटी रूल। ओके तो ये इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 की सेकंड चॉइस करेंगे, यानी कि चॉइस बी। इसमें हमें बोला है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली पे। देखो पॉइंट पी इज ऑन एबी और पॉइंट क्यू का किस पर है, एसी पर है, ये लिखा हुआ है सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, और पी क्यू जो है ना बच्चा बीसी के पैरेलल है, ये मैंने गिवन में लिख दिया इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल टू बीसी। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द मीडियन एडी, मीडियन एडी गिवन में आएगा क्योंकि ये मीडियन एडी हमें बताया गया कि एडी जो है मीडियन है, तो हमने गिवन में लिख दिया एडी इज द मीडियन। प्रूफ दैट मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए, जो ए से ड्रॉ हो रहा है, ए से दिखा रहा है ना एडी मीडियन, ऑन बीसी जो कि बीसी पर मीडियन है। अब अच्छा मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से आती है, जैसे ट्रायंगल एबीसी की वर्टेक्स ए ले लें तो यहां से ये वाली लाइन एडी आ रही है और वो बीसी के ऊपर मीडियन है, तो बीसी पे मीडियन है, तो हम ये कहेंगे कि जो बीसी है ना टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी एडी से, तो बीसी के दो इक्वल पार्ट्स कौन से बनेंगे, बीडी एंड सीडी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एडी मीडियन है तो बीडी इज इक्वल टू सीडी है, और हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये मीडियन है ना, देखो लिखा इधर मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बीसी बाइसेक्ट पीक्यू, हमें ये शो करना है कि जो एडी है वो पीक्यू को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में पीक्यू को डिवाइड कर रही है। तो एक तरह से हमें ये शो करना है कि पीआर इज इक्वल टू क्यूआर है, पीआर इक्वल टू क्यूआर है, और अगर पीआर इक्वल टू क्यूआर हो जाएगा तो एआर एपीक्यू के लिए मीडियन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है प्रूफ दैट एआर इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर अगर आए तो ऐसे आएगा। ओके तो पीआर इज इक्वल टू क्यूआर हमें इस क्वेश्चन में इतना प्रूव करना है। ओके तो पहले गिवन मैंने लिख लिया इन ट्रायंगल एबीसी पीक्यू पैरेलल टू बीसी एंड एडी इज अ मीडियन, और हमने प्रूफ क्या करना है एडी बाइसेक्ट पीक्यू, एडी पीक्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन पीआर इज इक्वल टू क्यूआर है, ये हमें शो करना है। अब अच्छा ध्यान दो, जो हमें गिवन है और जो प्रूफ करना है वो कौन से ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, उन्हीं ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। देखो हमने पीआर और क्यूआर इक्वल शो करने हैं और हमें दिया है बीडी और डीसी इक्वल दिए हैं, तो हम ट्रायंगल एपीआर को सिमिलर करेंगे ट्रायंगल एबीडी के, ध्यान से सुनना ट्रायंगल एपीआर ये वाला पॉइंटर पे ध्यान देना, सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी इस ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे क्योंकि इसमें पीआर आ रहा है और इसमें बीडी आ रहा है, और फिर उसके बाद हम लेंगे ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एक्यूआर एंड ट्रायंगल एसीडी क्योंकि इसमें क्यूआर और डीसी आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैंने जैसे कि बताया हम ट्रायंगल एपीआर और ट्रायंगल एबीडी लेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीआर एंड ट्रायंगल एबीडी। देखो बच्चा इन दोनों को सिमिलर करने के लिए हमें क्या क्या पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये कहा है कि पीक्यू पैरेलल टू बीसी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इससे हम ये कह सकते हैं पीआर पैरेलल टू बीडी भी होगा, अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो इधर हम लिख देंगे पीआर पैरेलल टू बीडी और रीजन में देंगे बिकॉज पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। ओके तो ये रीजन में हमने लिख दिया। अब अगर ये बच्चा पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल वन और एंगल टू, एंगल एपीआर का एंगल वन ले लो और एबीडी का एंगल टू, और ये कौन से एंगल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देखो इस तरह से बन रहे हैं ना ये और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम लिख देंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सेकेंड एंगल हम ये ले सकते हैं, ये भी तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, अगर मैं इधर 3 मार्क कर लूं और इसे 4 मार्क कर लूं तो एंगल 3 इक्वल टू 4, इसका रीजन भी सेम होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके तो
इससे क्या हुआ कि दो पेयर हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एपीआर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी बाय ए सिमिलरिटी। ओके, बाय ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। अब हम इनके साइड्स का रेशियो सेम ले सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दैट इज एपी अपॉन एबी। छोटे वाले ट्रायंगल का एपी ले लो बच्चा, एपी, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड एबी ले लो। तो एपी अपॉन एबी इक्वल टू पीआर अपॉन बीडी इक्वल टू पीआर अपॉन बीडी। हम वैसे तो ए आर अपॉन ए डी भी ले सकते थे, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है एंगल्स की वो किसमें है, पीआर और बीडी में, तो इसलिए हम यही वाले लेंगे। और इसका रीजन देंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है ना सिमिलर ट्रायंगल्स की, उनका रेशियो सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम इक्वेशन वन मान के चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, मैंने इधर इक्वेशन वन लिख दिया। अब इसी तरह से बच्चा ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल ए क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, ए क्यू आर सिमिलर टू ए सी डी। तो हम लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल ए क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का भी रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा, तो हम लिख सकेंगे कि ए क्यू आर का ए क्यू साइड अपॉन ए सी डी की ए सी साइड इक्वल होगी किसके बच्चा, क्यू आर अपॉन डी सी के। ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन डी सी, रीजन यही रहेगा कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो हम एस्ट्रिक मार्क करके सेम रीजन लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन टू हो गई, अभी यहीं तक अभी करा है हमने। अब देखो बच्चा नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी, एक तो एंगल वन इक्वल टू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये मैं इधर पहले भी बता चुका बच्चा, और इधर मार्क कर लो एक एंगल फाइव और ये एंगल सिक्स, ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे, तो एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स, ये सेम रीजन है, रिपीट हो रहा है बच्चा इसमें, तो ये सेम रीजन लिख देंगे एंगल फाइव इक्वल टू सिक्स। तो इससे क्या होगा कि ट्रायंगल ए पी क्यू इज प्रूव सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चा, तो इसकी साइड का रेशियो सेम ले सकते हैं। इस बार जो हम साइड का रेशियो लेंगे ना, वो ये लेंगे, देख ध्यान देना बच्चा, एपी अपॉन ए बी, ये क्यों लेंगे अभी आपको पता चलेगा, एपी अपॉन ए बी। देखो बच्चा, स्मॉलर ट्रायंगल ए पी क्यू की एपी और बिगर ट्रायंगल ए बी सी की ए बी साइड का रेशियो, एपी अपॉन ए बी इक्वल होगा स्मॉलर ट्रायंगल की ए क्यू वाली साइड का रेशियो किसके साथ, ट्रायंगल एसीबी की बड़ी वाली साइड एसी के साथ। तो अगेन ये वाला रीजन रिपीट हो रहा है, तो एस्ट्रिक मार्क डाल के यहां सेम लिख देंगे हम, और ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। अब देखो बच्चा, वन टू और थ्री को ऑब्जर्व करो, इधर हमने प्रूव किया एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब एपी अपॉन एबी इक्वेशन वन से किसके इक्वल आ रहा है, पीआर अपॉन बीडी, तो एपी अपॉन पीबी की जगह हम पीआर अपॉन बीडी ले सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी किसके इक्वल है, क्यू आर अपॉन डीसी के प्रूव किया ना इक्वल हमने, सो क्यू आर अपॉन डीसी ये हम लिख देंगे। ओके, तो हमारे पास आ गया पी आर अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन डीसी। अब अच्छा ध्यान दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए डी मीडियन है, मैं स्टार्टिंग में बताया था मीडियन क्या होता है, जिस वर्टेक्स से मीडियन आ रहा होता है ना उसकी अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देता है, तो एक अपोजिट वर्टेक्स एक अपोजिट साइड बीसी है, क्योंकि लिखे ना मीडियन ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बीसी, तो ये बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बीडी इज इक्वल टू डीसी है, और इसका रीजन होगा एडी इज अ मीडियन। ओके, बीडी इज इक्वल टू डीसी, एडी इज अ मीडियन। ओके, अब ध्यान दो बच्चा इधर, अब क्योंकि बीडी और डीसी इक्वल है तो हम बीडी की जगह डीसी ले सकते हैं ये वाली इक्वेशन में, जो लास्ट में इक्वेशन बनी, इसे हम इक्वेशन फोर मार्क कर देते हैं। इन इक्वेशन फोर बीडी और डीसी इक्वल है तो हम बीडी की जगह डीसी ले सकते हैं, तो पीआर अपॉन बी डी की जगह डीसी आ जाएगा, और क्यू आर अपॉन डीसी को हम ऐसे लिख देंगे। हम ये भी कर सकते थे डीसी की जगह बी डी ले लेते, एक ही बात है बच्चा। अब क्या करो, दोनों साइड को डीसी से मल्टीप्लाई कराओ, तो हम लिखेंगे पी आर अपॉन डीसी मल्टीप्लाई बाय डीसी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन डीसी मल्टीप्लाई बाय डीसी। देखो बच्चा, किसी भी इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस से मल्टीप्लाई करने में इक्वेशन बैलेंस रहती है, उसकी इक्वेशन चेंज नहीं होती, तो ये हम कर सकते हैं, और इसलिए ये डीसी से इसलिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर से डीसी हटाना चाहते हैं, तो ये डीसी और डीसी कट जाएगा, और यहां पर भी डीसी और डीसी कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि देयर फोर एडी बाइसेक्ट पी क्यू, क्यों, क्योंकि पी आर इक्वल टू क्यू आर हो गया, तो एडी पी क्यू को इस तरह से टू इक्वल पार्ट में
डिवाइड कर रही है, तो AD बाइसेक्ट PQ हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है। देखो बच्चा, इसमें लिखा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। दो नंबर्स हैं जिनका सम 18 है, यानी दो नंबर जिनको प्लस करके हमें क्या मिलता है, 18 मिलता है। एक ये कंडीशन दी है, और सेकंड कंडीशन दी है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। और अगर उनका हम रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर का, मान लो हमारे पास 3 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 होगा, और अगर मान लो 1/3 है तो रेसिप्रोकल 3 होगा, तो इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। अब वो कह रहा है कि आप उन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करें और फिर उनका सम करें। रेसिप्रोकल करने के बाद हम सम करें तो हमें आंसर में 9/40 मिलता है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। इधर लिखा है ना फाइंड द नंबर्स, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। फर्स्ट नंबर को हमने एक्स ले लिया और सेकंड नंबर को वाई लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर हमें 18 दिया, यानी कि इन दोनों नंबर्स को प्लस करके, यानी कि एक्स प्लस वाई अगर हम करते हैं ना, तो हम उसको इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों नंबर का सम, सम यानी कि एड एडिशन इज इक्वल टू 18 है। तो इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे अभी के लिए। ओके, अब आगे लिखा सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। देयर रेसिप्रोकल मींस इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करें। जैसे एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, और वाई का रेसिप्रोकल 1/y। तो ये एक्स का रेसिप्रोकल हो गया और ये वाई का। अब इनका सम करना है, देखो इधर वर्ड सम यूज हो रहा है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। तो हम लिखेंगे 1/x प्लस 1/y, क्योंकि रेसिप्रोकल का सम करना है, इज इक्वल टू 9/40। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब बच्चा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा जो x है ना, वेरिएबल x और y सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में आ रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन में न्यूमिनेटर में आ रहे हैं। सो ये लीनियर इक्वेशन में तो एक्सप्रेसेबल नहीं हो सकती, एक्सप्रेस नहीं हो सकती ये वाली इक्वेशन जो है। ओके, तो इसको हम क्वाड्रेटिक में ही लाएंगे, और क्वाड्रेटिक में कैसे लाएंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से x या y की वैल्यू ले लेंगे। ओके, तो मैं इधर y की वैल्यू ले लेता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस x। तो y हो गया हमारा 18 माइनस x, y इज इक्वल टू 18 माइनस x हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिला हमें। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्सिट्यूट कर देंगे, यानी कि y की जगह इक्वेशन 2 में हम 18 माइनस x लिख देंगे। तो ये होगा 1/x प्लस 1/y, यानी इधर y की जगह क्या आ जाएगा, 18 माइनस x इज इक्वल टू 9/40। फाइन, अब इसको हम क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेस करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। देखो बच्चा, x और 18 माइनस x का एलसीएम होगा x इंटू 18 माइनस x। फाइन, अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करने पे हमें x इंटू 18 माइनस x मिलता है। ऑब्वियसली x को अगर हम 18 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें x इंटू 18 माइनस x मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को जो न्यूमिनेटर में 1 है उसको भी 18 माइनस x से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस x न्यूमिरेटर में। और अब इधर सेकंड वाले एक्सप्रेशन में देखो, 18 माइनस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x इंटू 18 माइनस x मिल जाए। तो ऑब्वियसली x से मल्टीप्लाई करके तो x इंटू 18 माइनस x होगा। तो हम अगेन न्यूमिरेटर में जो ये 1 है, यहां पर पॉइंटर पे ध्यान देना, इसको भी x से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां पर प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/40 लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा देखो, ये माइनस x प्लस x कट हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 18/, और जो डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के बाहर x है ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो x को 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 18x मिलेगा। फाइन, और x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/40। अब ध्यान दो बच्चा, जो 18 और 9 है दोनों 9 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे हम, 9 और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब अगर 18 को हम 9 से कट करते हैं तो हमें मिलता है 2, और 9 को 9 से कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई बच्चा, इसके बाद 2/18x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/40। अब नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे ध्यान से समझना बच्चा। जैसे ये 1 इंटू 18 माइनस x स्क्वायर होगा, और अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहां पर हमारे पास 18x माइनस x स्क्वायर आ जाएगा पहले, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 40, और 2 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या होगा, 80। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले आ रही है तो हम पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। फाइन,
उसके बाद फिर x वाली टर्म प्लस 18x जो कि ऑलरेडी LHS में है, तो इसको हम प्लस 18x ऐसे लिख देंगे। लेकिन जो ये प्लस 80 है RHS में, इसको हम LHS में शिफ्ट करके माइनस 80 कर देंगे और RHS में हमारे पास इज इक्वल टू जीरो रह जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब भी बच्चा एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन आ रहा हो ना, तो इस सम को थोड़ा इजी करने के लिए हम ईच टर्म को माइनस वन से डिवाइड करेंगे, ताकि ये जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला नेगेटिव साइन है ये हट जाए। तो ईच टर्म को हम माइनस वन से डिवाइड करेंगे। देखो बच्चा, ईच टर्म के नीचे मैंने माइनस वन लिख दिया, अब ये माइनस वन कट गया। एक्स स्क्वायर अपॉन वन को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन इज सेम नंबर। सिमिलरली इधर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 18x अपॉन वन को हम 18x लिख सकते हैं, और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 80 अपॉन वन को हम 80 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चा, हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, पहले हम सम और प्रोडक्ट लेते हैं। सम जो होता है ना बच्चा, इक्वेशन में जो मिडिल टर्म में एक्स का कोफिशियंट होता है उसे सम लेते हैं। अब एक्स के आगे क्या नंबर है, माइनस 18, तो सम इज माइनस 18, और प्रोडक्ट जो है बच्चा पॉजिटिव 80 है, प्लस 80, प्रोडक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव 80 है। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 80 आता हो, लेकिन उनका सम माइनस 18 हो। अब क्योंकि बच्चा सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ध्यान रखना जब भी सम नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो हम दोनों नंबर को नेगेटिव रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके लिए हम नंबर्स ढूंढने के लिए हम 80 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, जैसे कि 1 इंटू 80 ले लेंगे। अब 1 इंटू 80 तो 80 होगा, इधर दोनों के साथ मैंने कहा ना माइनस का साइन आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव रहेंगे, तो माइनस 1 इंटू माइनस 80 प्लस 80 होगा। लेकिन क्या सम हमें माइनस 18 मिल पाएगा माइनस 1 और माइनस 80 लेने पे? माइनस 1 माइनस 80 करते हैं तो हमें माइनस 81 मिलता है, तो सम तो नहीं आ पा रहा, तो ये कॉम्बिनेशन हम नहीं लेंगे। अब माइनस 2 इंटू माइनस 40 करें तो भी तो हमें 80 मिलता है ना, लेकिन इसमें भी हमारा सम नहीं बन पाएगा, आप चेक कर लेना। ओके, इसके बाद 3 के टेबल में तो ये आता नहीं, फिर 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 20 करेंगे तो माइनस 80 आएगा, लेकिन सम इधर माइनस 24 बनेगा, क्योंकि माइनस 4 और माइनस 20 को हम ऐड करते हैं तो माइनस 24, लेकिन सम तो हमें माइनस 18 चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट माइनस 8 इंटू माइनस 10 करें तो हमें पॉजिटिव 80 मिलता है, प्लस 80 तो मिलता है, लेकिन इधर क्या सम मिल पा रहा है? देखो बच्चा, माइनस 8 माइनस 10 करते हैं, माइनस माइनस प्लस आएगा, 8 प्लस 10 18, तो माइनस 18, यस सम आ रहा है। तो यही हमारे मिडिल टर्म के दो नंबर रहेंगे, माइनस 8 और माइनस 10, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नंबर्स। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10x। देखो बच्चा, माइनस 18x की जगह माइनस 8x और माइनस 10x हो गया, तो ये मिडिल टर्म हमारी स्प्लिट हो गई, स्प्लिट मीन्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, प्लस 80 एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चा, देखो इधर फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, यस सर एक्स कॉमन है, तो हम एक्स कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेंगे तो इधर एक्स रहेगा, और 8x में से x लेंगे तो माइनस 8 रहेगा। अब लास्ट टू टर्म में माइनस 10x प्लस 80 में क्या कॉमन है, दोनों में 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है जो दोनों में 10 है। 10 अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखो बच्चा कैसे लिखेंगे, इधर क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है और हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, जब भी बच्चा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, ब्रैकेट ओपन करते वक्त या क्लोज करते वक्त हम साइन चेंज कर देते हैं, तो अगर हम माइनस 10 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x, और जो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर माइनस 8 हो जाएगा, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। ये अब तक हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस पे ध्यान दो बच्चा, दोनों में x माइनस 8 कॉमन है, तो टेकिंग x माइनस 8 एज कॉमन, x माइनस 8 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक x बच जाएगा बच्चा इधर सेकंड ब्रैकेट में, और फिर माइनस का साइन आएगा और माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो डालो एंड x माइनस 10 को भी इक्वल टू जीरो डालेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 8 जीरो के साथ जाएगा तो जीरो प्लस 8 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 8 आ गया, और एंड x इज इक्वल टू माइनस 10 को भी जीरो के साथ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जीरो प्लस 10 10 होगा, तो सेकंड वैल्यू x की हमारी 10 आ गई। अब देखो बच्चा, अगर हम x को 8 लेते हैं, फर्स्ट नंबर को हम 8 लेते हैं, तो सेकंड नंबर 18 माइनस 8 10 होगा। ओके, लेकिन अगर हम x को 10 लेते हैं तो y हमारा 18 माइनस 10 8 हो जाएगा, तो इसका हम जो फाइनल आंसर होगा ना दो नंबर्स वो क्या होंगे, 8 एंड 10 होंगे, तो हम डायरेक्टली यही आंसर लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 एंड 10। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1,
हमें एक पॉलिनोमियल दिया है 6x² - 5x+1 और साथ में ये कहा है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज है, और हमें करना क्या है, हमें एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, लिखा है ना फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो बच्चा कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है के इन ब्रैकेट x² - sum of zeros into x + product of 0। ओके, तो इसमें हम के एक कांस्टेंट होता है उसको एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, जीरोस क्या है इसके, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख देंगे जीरोस की जगह, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब के को एज इट इज लिखो, इधर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा इंटू एक्स, और जो ये पावर टू है ना अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में, ये हम कॉमन पावर लेके बेसिस को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब किसी तरह से बच्चा हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल, और उससे हमें अल्फा बीटा की भी वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है बच्चा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा क्या रहेगा, सी अपॉन ए। ओके, अब फॉर्मूले में वैल्यू डालें तो ये माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, अब बी क्या होता है बच्चा, मिडिल टर्म में एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के आगे वाला नंबर, इधर क्या है 5 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस ऑलरेडी डाल दिया मैंने, और बी की जगह -5 लिख दिया, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन ए, ए एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर वो जो कि 6 है। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा -5 अपॉन 6। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 अपॉन 6 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा, उसके लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल जो इधर 1 है, और ए मैं बता चुका हूं एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, और वो 6 है इधर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा हमारा 1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास, अब अच्छा अल्फा बीटा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं अल्फा बीटा की, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान से समझना, उसके लिए हम यूज करेंगे आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, और वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों यूज करेंगे ये अभी आपको पता चलेगा। ओके, तो हम अभी यूज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने यही आइडेंटिटी क्यों यूज करी। अब इधर ए की जगह हम अल्फा और बी की जगह हम बीटा लेंगे, तो बच्चा ध्यान दो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह अल्फा यानी कि ए स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और बी की जगह बीटा, सो बी की बी स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यहां पर 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए ना, वो इसमें आ रही है, यही हमें यही वैल्यू निकालनी है, बाकी वैल्यूज हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमने यहां फाइंड कर ही ली है, तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस आइडेंटिटी से फाइंड कर सकेंगे, तो इसलिए हमने यही आइडेंटिटी यूज करी। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 5 अपॉन 6 लिख दो, तो 5 अपॉन 6 होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और 2 अल्फा बीटा इधर, और तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, हमने 1 अपॉन 6 फाइंड किया, तो 2 अपॉन 1 अपॉन 6। अब देखो बच्चा 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 अपॉन 36 इज इक्वल टू, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा, प्लस प्लस ये 2 और 6 कट हो जाएगा इधर, ये 2 1 2 2 3 6, तो यहां पर 1 अपॉन 3 आ जाएगा। फाइन, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए जो ये प्लस 1 अपॉन 3 है ना, इसको हम 25 अपॉन 36 के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने 36 और 3 का एलसीएम 36 आएगा, अब 36 के टेबल पे 1 पे आता है, तो हम 25 मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर देंगे, तो यहाँ 25 आ जाएगा, माइनस अब 3 के टेबल में 36 12 पे आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36 होता है, तो हम 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 - 12 अपॉन 36, तो अब 25 - 12 तो 13 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13 अपॉन 36। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई,
और अल्फा बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी 1/6 फाइंड कर चुके। अब हम जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, उसमें वैल्यू डालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की और अल्फा बीटा। देखो बच्चा अब क्या होगा, के को एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज कॉपी होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 13/36 आ जाएगा, 13/36 एक्स प्लस अल्फा बीटा हमने क्या फाइंड किया 1/6, तो यहां पर 1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे ध्यान से समझना बच्चा, इस के को अभी एज इट इज लिखो और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 एक्स प्लस 1/6 का होल स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 × 1 होगा और 6 का स्क्वायर 6 × 6 36 हो जाएगा। हम चाहे तो आंसर को यहां भी छोड़ दे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चा, लेकिन जैसे कि आंसर की में हमें दिया हुआ है इसको आगे सॉल्व करके, और उसमें के भी नहीं दिया आंसर के, तो कैसे के हटाया मैं ये आपको समझा देता हूं। हम क्योंकि के चाहे हम ना भी लिखे तो चलता ठीक है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में के क्या होता है, के जो होता है कॉन्स्टेंट होता है जो इन तीन टर्म में से कॉमन लेके निकलता है। तो देखो कॉमन कैसे निकलेगा के की जगह, देखो अब हम एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे ओके, और एलसीएम क्या होगा 1 और 36 का 36। अब 1 के टेबल में 36 पे आता है, अब एक्स स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 के टेबल में 1 में आता है तो हम 13 × 1 भी कर देंगे, तो 13x × 1 13x ही हो जाएगा प्लस। अब ध्यान देना बच्चा अगेन 36 1 का 36 होता है तो जो न्यूमिनेटर में 1 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो 1/36 है ना इसको हम k की जगह ले सकते हैं, और यहाँ पर k की जगह क्या आ जाएगा 1/36, क्योंकि k क्या होता है इनमें से जो कॉमन लेके निकलता है, क्योंकि ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ 1 कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास 36 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 × 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 ओके। और चाहो तो अब ये 1/36 हटा भी सकते हो, क्योंकि जब हम इसके जीरो फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 0 डाल के, जो ये 36 है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है और जो ये यहाँ पर 1 नंबर है वो डिवाइजर में जाके नीचे आ जाता है, तो 0 × 36/1 तो इधर 0 ही रह जाता है ना, तो ये हट जाता है, लेकिन वो हमें शो करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको आंसर को यहां तक करके भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो ये 1/36 ना लिखे तो भी हमारा आंसर करेक्ट है ओके। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 28 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें बोला है इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, हमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया है और हमें प्रूव करना है दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को इक्वल टू प्लस माइनस 1 लाना है। तो एक तरह से हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब बच्चा जो फाइंड करना है पहले हम उस पे फोकस करेंगे, हमें फाइंड करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ए माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है ओके। और बच्चा अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं, क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के तो सॉल्व नहीं कर सकते, कि कोई ऐसी आइडेंटिटी है नहीं हमारे पास कि cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू समथिंग हो ओके, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे इधर, और इसका आइडेंटिटी होती क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन हमें a माइनस बी होल स्क्वायर तो नहीं चाहिए था, हमें तो जस्ट cos थीटा माइनस sin थीटा यानी कि a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो a माइनस बी यानी cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू हमें अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से मिलेगी। और जब भी हम स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट करते हैं तो यहां पर हम प्लस माइनस का साइन भी डालते हैं, तभी इसके आंसर में प्लस माइनस आया हुआ है, और 1 कैसे आएगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें हिंट मिल गया कि इधर हमें एक तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और दूसरा जो गिवन है बच्चा वो किस फॉर्म में है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें भी हम खास कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, और उससे हमें जो इसमें मिसिंग वैल्यूज होंगी ना cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू में, वो क्या मिसिंग होगी आपको पता चलेगा, वो वैल्यूज हमें a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से मिलेगी। वो फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले हम जो फाइंड करना है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चा इधर जैसे कि मैंने बताया इधर हम स्क्वायर कर लेंगे, पहले इधर स्क्वायर लिख दिया, अब स्क्वायर करने के बाद हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यस सर लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2cos थीटा * sin थीटा ओके। अब ध्यान दो बच्चा इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है, वन के इक्वल होता है। ओके ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करते हुए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम वन लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा वन माइनस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें वैल्यू तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की चाहिए राइट, तो ये स्क्वायर हटाते हुए हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, अंडर रूट में वन माइनस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और क्यों लिख सकते हैं ये मैं आपको इस पोर्शन पे समझा चुका हूं, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है तो a माइनस बी क्या होगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। अब बच्चा इधर प्लस माइनस भी रहेगा क्योंकि देखो इधर भी तो प्लस माइनस आया ना। अब हमें बस वैल्यू किसकी चाहिए, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की। हमें न्यूमेरिक वैल्यू पता चल जाए तो इजिली हम इस सब को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वैल्यू कहां से मिलेगी, जो हमें गिवन है उसको यूज करके। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा कि इधर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर। ओके अब अच्छा हमारे पास हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, इधर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, तो उस आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर की जगह, बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, यानी कि टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा, यू वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन। अगेन 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 इधर देखो बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होगा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो मैं इधर बता चुका हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वन हो गया। अब अगर बच्चा हमें टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और यही हमें रिक्वायर्ड भी है, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, जो ये एलएचएस में प्लस वन है ना इसको आरएचएस में शिफ्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू आरएचएस में ऑलरेडी प्लस वन है, अब ये एलएचएस वाला प्लस वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा, फाइन। अब टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, तो यानी कि अब टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इधर में जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें वन माइनस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की जगह क्या डाल देंगे, जीरो डाल देंगे, क्योंकि टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा जीरो आया है। ओके अब देखो बच्चा प्लस माइनस इधर एज इट इज देखिए अंडर रूट में वन माइनस जीरो क्या होगा, वन होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वन। अब अंडर रूट वन क्या होगा, यानी कि वन का स्क्वायर रूट वन होता है, तो फाइनली हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस वन के इक्वल, तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30 की फर्स्ट चॉइस है, यानी कि ए पार्ट। इसमें बोला था मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉल क्लॉक है जिसका मिनट हैंड कितना लॉन्ग है, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके तो हम एक वॉल क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। जो वॉल क्लॉक की आउटर बाउंड्री है ना बच्चा, वो सर्कुलर या स्क्वायर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो उसकी इनर बाउंड्री है, जिस मोशन में मिनट हैंड या आर हैंड या सेकंड हैंड भी मूव करेगा, वो किस मोशन में मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में। तो हमें मिनट हैंड जो शेप बनाएगा ना, जो उसके मोशन की शेप होगी उस पर ही फोकस करना है। ओके तो पहले हम एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं और उसका मिनट हैंड ड्रॉ कर लेते हैं, इधर मिनट हैंड की बात हो रही है इसलिए। तो वॉल क्लॉक में इधर 12 होता है बच्चा, इधर 3 होता है, इधर 6 होता है और इधर 9 होता है। फिर उसके बाद 12 के बाद 1, फिर 2, फिर ये 3 तो है ही, 4, 5 और फिर ये 6, 7, 8, फिर 9, यहां पर 10 और यहां पर 11 होता है। तो वॉल क्लॉक कुछ इस तरह की होती है। ओके बच्चा अब ये कहा गया कि उसका जो मिनट हैंड है वो कितना लॉन्ग है, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मान लो मैं यहां पर इसका सेंटर मान लेता हूं क्लॉक का। अब मिनट हैंड अभी ये मान के चल रही है कि ये 12 पर है, मिनट हैंड कहां पर है, 12 पर, आप कहीं पर भी मान लो, ठीक है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 12 पर है और इसकी लेंथ कितनी है बच्चा, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर मिनट हैंड की लेंथ है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। अब फेस ऑफ द क्लॉक ये होगी डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड, जो मिनट हैंड डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, मिनट हैंड कवर करेगा जो एरिया फेस ऑफ द क्लॉक का इन 35 मिनट में, ठीक है, 35 मिनट में। तो अभी मिनट हैंड कहां है बच्चा, 12 पे है, तो 35 मिनट में मिनट हैंड किस नंबर पे आ जाएगा, 5 मिनट पे 1 पे आ जाएगा, फिर 10 मिनट पे 2 पे, 15 मिनट पे 3 पे, फिर 20 मिनट पे 4 पे,
25 मिनट पे 5 पे और 30 मिनट पे 6 पे, और 35 मिनट पे कहाँ आएगा 7 पे, ये मिनट हैंड आ जाएगा, ये मूव करता हुआ। देखो बच्चा मिनट हैंड ऐसे आ जाएगा। अब ये इसका मोशन क्या है बच्चा मिनट हैंड का, इस पर ध्यान देना। अगर हम मोशन देखें तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है ना। और एरिया कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है ये भी ध्यान दो बच्चा। देखो ये जो मैं शेड कर रहा हूं ना, ये वाला एरिया। और मान लो ये कंप्लीट राउंड ले लेता जो ये मिनट हैंड है, तो ये वापस कहां आ जाता, 12 पे आ जाता। तो ये क्या फॉर्म, क्या जो ये पाथ है ये क्या बनता, एक सर्कल बनता, कंप्लीट सर्कल। ठीक है, अगर इसको हम 12 से मूव करा के मिनट हैंड को वापस 12 पे ले आते, तो जो ये शेप डिस्क्राइब हो रही है ना मिनट हैंड से, वो क्या शेप डिस्क्राइब होती है, हमेशा ही एक सर्कल शेप डिस्क्राइब होती है। अब अगर 60 मिनट में देखें तो ये कंप्लीट सर्कल डिस्क्राइब हो रहा है, लेकिन 35 मिनट में क्या डिस्क्राइब हो रहा है, एक सेक्टर डिस्क्राइब हो रहा है, सेक्टर बन रहा है। देखो बच्चा सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस, जैसे रेडियस हो गया ये वाला, एक पॉइंटर पे ध्यान देना। अगर मैं इसके सेंटर को ओ मान लूं और यहां पर ए पॉइंट ले ले, और जो 7 पे यहां पर बी पॉइंट ले ले, तो ओ ए और ओ बी दो रेडियस हो गए। और जो ये पोर्शन है बच्चा, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो डार्क कर रहा हूं, ये क्या है, ये एक आर्क है। दो रेडियस और एक आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो एरिया डिस्क्राइब होगा ना क्लॉक का मिनट हैंड से, वो क्या होगा, एक सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे। तो एरिया डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू एरिया ऑफ आ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा अपॉन 360 इनटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें रेडियस तो बच्चा 18 सेंटीमीटर रहेगा। देखो इस, ये जो मिनट हैंड की लेंथ है वो रेडियस है, ध्यान दो, है कि नहीं। यस सर। लेकिन जो ये थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है ना एंगल ऑफ द सेक्टर होता है, जो ये मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये होता है ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है इस केस में। ठीक है, तो ये थीटा होगा, लेकिन ये एंगल कितना डिग्री होगा ये हमें देखना है, क्योंकि इसमें हमें थीटा की रिक्वायरमेंट है और रेडियस की रिक्वायरमेंट है, पाई तो 22/7 है ही। ओके, तो अब थीटा कैसे निकालेंगे इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि मैंने बताया 60 मिनट में जो मिनट हैंड है कंप्लीट राउंड ले लेता है, कंप्लीट राउंड यानी कि थीटा क्या रहता है 60 मिनट में 360 डिग्री। 60 मिनट में थीटा जो होता है ना, 60 मिनट में थीटा जो है 360 कंप्लीट एंगल बनाता है, कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब 1 मिनट में थीटा क्या रहेगा बच्चा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 360 अपॉन 60, 360 को 60 से डिवाइड करो तो वो थीटा की वैल्यू होगी इन 1 मिनट। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, और 36 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 1 मिनट में जो थीटा रहेगा ना वो 6 डिग्री रहेगा। अब क्वेश्चन में हमें जो मिनट एंड से एरिया डिस्क्राइब कर रहा है वो कितने मिनट्स में, कितने मिनट्स के लिए दिखाना है, 35 मिनट्स में जो डिस्क्राइब करेगा एरिया वो दिखाना है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो 35 मिनट में क्या होगा, 35 मिनट में जो थीटा होगा ना बच्चा, वो होगा 35 मल्टीप्लाई बाय 6, जो 1 मिनट में उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी मिनट्स क्वेश्चन में दिए होंगे। अगर मान लो 10 मिनट दिए होते तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, अभी हमें 35 मिनट दिया, तो 35 इंटू 6 इज इक्वल टू 210 डिग्री। तो इस केस में जो थीटा रहेगा ना वो 210 रहेगा। अब हम वैल्यूज डालते हैं बच्चा इसमें, थीटा की जगह 210 ले लेंगे अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर में पाई 22/7 लेना है, और रेडियस 18 है और आर स्क्वायर है, तो इसलिए 18 मल्टीप्लाई बाय 18 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो बच्चा देखो क्या होगा, पहले ये 0 और 0 कट हो जाएगा, अब 21 और 7 दोनों 7 से जाते हैं, 21 को 7 से करेंगे डिवाइड तो 3 आएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद देखो बच्चा 22 और 36 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो यहां 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, और 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। और इसके अलावा 18 और ये 18 हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय 18 1 होता है, दोनों 18 18 से ही कट जाएंगे, तो यहां 1 आ जाएगा। अब और पॉसिबल नहीं है कैंसिल करना, लोएस्ट टर्म में करना। तो बच्चा अब न्यूमिरेटर में देखो हमारे पास क्या क्या बचा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11, 18 तो कट के यहां 1 हो गया था, ठीक है, इंटू 1 करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 हमें सेम नंबर मिलता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो हमें सेम नंबर मिलता है। और उसके अलावा यहां पर मल्टीप्लाई बाय 18 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हम 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, अब अच्छा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 तो हमारा 33 होगा, और 33 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 594, और डिनोमिनेटर में अपॉन 1 है।
अब एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन इस नंबर इटसेल्फ, तो हम अगर 594 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमें 594 ही मिलेगा. सो एरिया डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन 35 मिनट हमारा क्या आया 594 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 32 चॉइस सॉल्व करेंगे. इसमें हमें बोला है ए बी इज अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर एट ओ. ए बी एक कोर्ड है. कोर्ड क्या होता है बच्चा, जो दो पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हो उनको लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है ना, उस लाइन सेगमेंट को हम कोर्ड कहते हैं. जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और उनको लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइन कर रही है, तो ए बी एक कोर्ड हो गया. और इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है. और आगे लिखा है सच दैट एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है. जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, ये सेंटर पे ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री दिया है. आगे लिखा है इफ ओ ए इज 14 सेंटीमीटर. ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा, तो ये हमें 14 सेंटीमीटर दिया है ओ ए. सो ओ बी भी रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये भी ओ बी भी हमारा 14 सेंटीमीटर रहेगा. ओके ये हमें अब तक ये गिवन है. आगे हम पढ़ते हैं देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है. ये माइनर सेगमेंट क्या होगी ये मैं अभी आपको बताऊंगा. और हमें इसमें रूट थ्री की वैल्यू 1.73 रखनी होगी, ये आपको माइंड में रखना है. ओके अब ध्यान से समझना बच्चा, ये माइनर सेगमेंट क्या है. ध्यान दो बच्चा, जो ये आर्क है ए बी, ये ए बी एक आर्क है. आर्क क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पार्ट. जो ए बी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस है ऑफ सर्कल, तो ए बी एक आर्क हो गई. और ए बी कोड है, कोड मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है. और कोड और आर्क के बीच के एरिया को, अब ये माइनर आर्क है ए बी, और मेजर आर्क ए बी ये बड़ी वाली है. पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, ये वाली आर्क ये मेजर है. अब माइनर आर्क ए बी और कोड के बीच में जो एरिया बनेगा, जो ये मैंने शेड किया अभी, इसे हम सेगमेंट कहेंगे. और ये कौन सी सेगमेंट होगी, माइनर सेगमेंट. और मेजर सेगमेंट की बात करें तो जो बाकी पोर्शन होगा, बचा हुआ पोर्शन किसका, सर्कल का, तो वो मेजर सेगमेंट में आएगा. लेकिन अभी मेजर सेगमेंट हमें नहीं फाइंड करना एरिया, हमें ओनली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना, तो हम उसी पे फोकस करेंगे. अब ध्यान दो बच्चा, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होगा. जो ये फिगर है, पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, ये ओ ए बी, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये एक आर्क ए बी और दो रेडियस ओ ए और ओ बी के बीच के एरिया को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे. ये सेक्टर है, जो देखो बच्चा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज अ सेक्टर, ये पूरा एक सेक्टर है. ओके और इस सेक्टर का सेक्टरल एंगल हमें 60 डिग्री दिया. ओके ये हमें मैंने बता दिया था, एंगल ओ ए भी सेंट्रल एंगल है, तो इसे हम एंगल ऑफ सेक्टर भी कहते हैं. तो ये कितना डिग्री दिया, 60 डिग्री. अगर हम इसके एरिया में से, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दें, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी कौन सा ट्रायंगल है, देखो बच्चा ये मैंने आउटलाइन किया ये ट्रायंगल, तो हमें क्या मिलेगा, ये माइनस सेगमेंट वाला एरिया, इसको मैं अलग से हाईलाइट करके दिखा देता हूं, तो ये माइनस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये माइंड में आपको रखना है. ठीक है, तो हर क्वेश्चन में जब भी माइनस सेगमेंट का एरिया होगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे. ठीक है, तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया. ओके अब इधर थीटा जो हमें दिया कितना गिवन है बच्चा, 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 लेंगे और रेडियस 14 है, ओ ए या ओ बी दोनों रेडियस है, तो आर स्क्वायर है, तो इसलिए 14 मल्टीप्लाई 14 लेंगे. अब आगे बढ़ने से पहले बच्चा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मार्किंग स्कीम में जो आंसर दिया है ना, वहां पर गलती से 60 की जगह यहां पर 90 ले लिया है. सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है, तो वो आंसर जो आया गलत आया है. आपको यहां पर 60 डिग्री ही लेना है थीटा की जगह, 90 नहीं लेना. उसमें 90 लेके सॉल्व किया तो गलत कराओ. ओके तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं. जैसे आप देखो, ये 0 से 0 कट गया. अब 6 और 36 दोनों 6 से डिविजिबल है. 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. अब 7 और 14 दोनों 7 से जाएंगे. 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. अब 2 और 6 दोनों 2 से जा सकते हैं. 2 को 2 से करेंगे तो 1 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा. अब ध्यान दो बच्चा, अब न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया 22 और 14. जो 1 आएगा उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे. तो 22 मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास आएगा बच्चा 3. 22 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 3. 22 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारा होगा 308 अपॉन 3. अब 308 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 102.66. एक्चुअली ये 66 रिपीट होता जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. तो लेकिन हम इसको दो प्लेस तक लेंगे और
हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 102.66 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल लेने से पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज करें। इसमें मैं हाइट तो दी नहीं, हाइट नहीं दी और ना ये कहा है कि ये राइट ट्रायंगल है। अगर राइट ट्रायंगल होता तो 90 डिग्री को साइड कंटेन कर रही होती, उसमें से एक को बेस और एक को हाइट ले लेते, तो 1/2 × 14 × 14 हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है पहले हम ये देखेंगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसमें हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज √3/4a². तो पहले देखते हैं क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले इसका एंगल ए और एंगल बी निकाल के देखेंगे। अब अगर एंगल ए और एंगल बी भी 60 डिग्री आ जाए, एंगल ओ की तरह, एंगल ओ 60 है जैसे, तो एंगल ए और एंगल बी भी 60 हो जाए तो तीनों एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल माना जाएगा। तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि एंगल ए और एंगल बी दोनों 60 डिग्री है, और वो आएंगे भी। अब फाइंड करके देख सकते हो बच्चा, अभी मैं करके दिखा रहा हूं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये मैं आपको बता चुका हूं रेडाई ऑफ सेम सर्कल। रेडाई होता है प्लूरल ऑफ रेडियस। अब ओ ए के सामने कौन सा एंगल है बच्चा, एंगल बी, ध्यान दो ये ओ ए साइड होगी, उसके अपोजिट देखो मैंने एरो से दिखाया है, एंगल बी है, ठीक है। और ओ बी के सामने कौन सा एंगल है, ओ बी वाली साइड होगी, उसके सामने एंगल ए है, देखो इधर भी मैंने एरो डाल के दिखाया, तो एंगल ए है। ओके, तो एंगल ए और एंगल बी हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और दोनों को हम एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सो एंगल ए और एंगल बी हमने एक्स अज्यूम कर लिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो उसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, एंगल ओ हमारा 60 डिग्री है क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ए और बी हमने एक्स अज्यूम किया, तो इधर एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, ए और बी की जगह एक्स और एक्स ले लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 हो गया। अब 2x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, ये जो ये प्लस 60 है 180 के साथ जाके माइनस 60 हो जाएगा, 180 माइनस 60, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री, और x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 120, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो ये डिवाइजर में जाएगा, यानी कि डिवाइड में जाएगा, तो 120 डिवाइड बाई 2 एक्स हमारा 60 आ गया, यानी कि एंगल ए और एंगल बी भी हमारे कितने डिग्री आ गए, 60 डिग्री आ गए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और इक्वल टू एंगल ओ, तीनों एंगल कितने डिग्री है हमारे, 60 डिग्री आ गए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल, तो ए ओ बी इक्विलेटरल हो गया। अब ट्रायंगल ए ओ बी इक्विलेटरल हो गया तो हम इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हमारा होगा √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, साइड हम ए मान लेते हैं, तो √3/4a² हो गया। ओके, अब वैल्यू डाले तो बच्चा √3/4 को भी ऐसे लिखते हैं, ए यानी कि साइड इसकी क्या होगी, इस साइड 14 होगी, क्योंकि देखो जो रेडियस है वो ए इसकी साइड है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम होंगी इसकी, तो 14 × 14 होगा इधर। और आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे दोनों 14 और 4 दोनों 2 से डिविजिबल है, 14 को 2 से करेंगे तो 7 आएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो 2, अगेन अब ये 14 और ये 2 दोनों 2 से जाएंगे, 2 को 2 से करेंगे 1, 14 को 2 से करेंगे तो 7। अब देखो बच्चा इधर 7 बच गया न्यूमरेटर में, तो 7 × 7 = 49। ओके, और साथ में √3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बचा है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, तो ये हो जाएगा 49√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। अब बचा एरिया ऑफ सेगमेंट, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना फाइंड किया, देखो बच्चा 102.66 ओके माइनस 49√3 करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब देखो बच्चा 102.66 माइनस, अब √3 हमने कितना लेना है, देखो क्वेश्चन में मेंशन है 1.73, तो 49 × 1.73 हो जाएगा इज इक्वल टू 102.66, और 49 × 1.73 करेंगे तो हमें मिलेगा 84.77। तो फाइनली अगर हम 102.66 में से 84.77 माइनस करते हैं तो हमें एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट मिलता है 17.89 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है, और ध्यान रखना बच्चा जो मार्किंग स्कीम में आंसर दिए ना सीबीएसई ने प्रोवाइड किया वो गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर थीटा
में 60 की जगह उन्होंने 90 लिया है, जो कि गलत वैल्यू लिया है। क्वेश्चन में थीटा हमें 60 डिग्री दिया था, हम 60 डिग्री लेके ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब फाइनली हमारा आंसर हुआ 17.89 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें बोला है प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। हमें रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। बच्चा इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो रैशनल नंबर में एक्सप्रेस ना हो सके, यानी कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं बच्चा? इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? इंटीजर को बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू इंटीजर्स। ओके, पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर, और क्यू जो होता है इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उनको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, अब इसको हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे? हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बच्चा? इसमें हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और जो चीज हम मानते हैं, जो बात हम मानते हैं उसको गलत प्रूफ कर देते हैं। यानी कि जो हम कहेंगे हम अपनी उस बात को गलत प्रूफ कर देंगे। जैसे कि हमने प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि लेट रूट 3 बी आर रैशनल नंबर। हमने ऑन कॉन्ट्ररी मतलब इरेशनल प्रूफ करना था, लेकिन माना गया कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अब हम इस बात को गलत प्रूफ कर देंगे कि रूट 3 एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता, जो भी नंबर रैशनल नहीं होते वो सभी नंबर्स इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी अज्यूम किया रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 3 को हमने रैशनल नंबर मान लिया तो इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी आर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं कहूं 6/8, अब 6 और 8 तो दोनों 2 से जाते हैं, 2 से डिविजिबल है ना। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 6 और 8 को प्राइम नहीं है क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है। लेकिन जब ही हमने कट कर दिया इसको 3/4 ले आए लोएस्ट टर्म करके, अब 3 और 4 जो है ना बच्चा ये हमारे को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 3 और 4 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सो 3 और 4 क्या है? को प्राइम नंबर है, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये होता है को प्राइम नंबर। और साथ में हम ये भी लिखना होगा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे कि रूट 3 का स्क्वेयर किया, देखो बच्चा ब्रैकेट में मैंने रूट 3 लिखा और पावर 2 दे दी, स्क्वेयर का मतलब। और RHS में पी अपॉन क्यू है, उसका भी स्क्वेयर कर दिया। जब हम रूट 3 का स्क्वेयर करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या होगा बच्चा? रूट 9। और स्क्वेयर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। तो जब भी बच्चा रूट 3 इंटू रूट 3 आएगा तो उसको हम 3 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर रूट 2 इंटू रूट 2 को 2 लिख सकते हैं। तो इधर देखो रूट 3 का स्क्वेयर हमने क्या लिख दिया? 3। और जो ये पी अपॉन क्यू होल स्क्वेयर है, पावर 2 पी के साथ भी गई तो पी स्क्वेयर हो गया, और जब ये क्यू के साथ गई तो ये क्यू स्क्वेयर हो गया। तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहां 1 लगा लो बच्चा। अब पहले क्या करेंगे? 3 इंटू क्यू स्क्वेयर, तो 3 क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। 3 को क्यू स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को पी स्क्वेयर से करेंगे, तो पी स्क्वेयर इंटू 1 क्या होगा? पी स्क्वेयर होगा। ओके, पी स्क्वेयर इंटू 1 क्या होगा? पी स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा 3 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो ये क्यू स्क्वेयर के साथ 3 है ना, इसको पी स्क्वेयर के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि इधर 3 जो है क्यू स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई में है LHS में। जब ये RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि डिवाइजर में चला जाएगा। तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वेयर अपॉन 3। अब इस इक्वेशन 1 हम मान लेंगे, और ये इक्वेशन क्या बताती है हमें कि अगर हम पी स्क्वेयर को 3 से डिवाइड करें ना तो हमारा आंसर क्या आता है? क्यू स्क्वेयर आता है। पी स्क्वेयर 3 से पूरी तरह से डिवाइड होके आंसर में क्या देता है हमें? क्यू स्क्वेयर देता है। तो इसका मतलब पी स्क्वेयर जो है 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। पी स्क्वेयर किससे डिविजिबल है? 3 से। सो अगर पी स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है तो बच्चा पी भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं 6 स्क्वेयर लेता हूं। 6 स्क्वेयर क्या होता है? 6 × 6 = 36। अब 36 3 से डिवाइड हो जाता है? यस सर, हो जाएगा। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 12 आएगा। तो क्या 6 स्क्वेयर अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या 6 भी 3 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली होगा। 6 / 3 क्या होगा? 2 होगा। अगर 6 स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा।
ऐसा आप किसी भी नंबर के साथ ट्राई कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल लेके आप देख लेना। ओके तो अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, कि p भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा और इसे हम स्टेटमेंट 1 मानेंगे। अभी स्टेटमेंट 1 लिख के हम यहाँ छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो बच्चा क्या लिखा है, ऑल्सो सिंस p इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि p जो है 3 से डिविजिबल है तो p 3 का मल्टीपल भी होगा। ऐसा क्यों है ध्यान से समझना बच्चा। जैसे कि मैंने कहा p जो है 3 से डिविजिबल है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 12 3 से डिविजिबल है, 12 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 4 आता है। यानी कि अगर 12 3 से डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल है तो वो 3 के टेबल में आ रहा होगा, 3 4 द 12 होता है, होता है कि नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 होता है। तो इसका मतलब जो ये 12 है वो 3 का मल्टीपल भी है। तो ऐसे और भी अगर लिखे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, तो 15 3 से डिविजिबल है तो वो 3 का मल्टीपल भी है। ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, अब 18 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है और वो 3 का मल्टीपल भी है। तो 3 के मल्टीपल किस फॉर्म में आ रहे हैं, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 6। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो 4 5 6 की जगह अगर कोई वेरिएबल ले ले तो 3 के मल्टीपल किस फॉर्म में होंगे, 3 मल्टीप्लाई एम की फॉर्म में, यानी कि 3m की फॉर्म में, वेयर m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके तो ये ध्यान रखना। अब जैसे कि मैंने कहा p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो अब p किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इधर अज्यूम कर लेंगे, लेट p इज इक्वल टू 3m, p को हम क्या मान लेंगे, 3m, वेयर m इज एनी रियल नंबर, और m क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, p की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे। देखो बच्चा इक्वेशन 1 इधर मैंने बनाई थी, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3, इधर p की जगह हमने 3m लिख दिया, बाकी बिल्कुल सेम है इक्वेशन। देखो q स्क्वायर का q स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में RHS में 3 है, लेकिन न्यूमरेटर में p की जगह हमने 3m लिख दिया, तो इधर 3m का होल स्क्वायर हो गया। अब q स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3m का होल स्क्वायर का मतलब जो ये पावर 2 है ब्रैकेट के बाहर, वो 3 के साथ जाएगी तो 9 हो जाएगा और m के साथ जाएगी तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। अब 9 और 3 कट हो जाएंगे, दोनों 3 से, 3 को 3 से कट करेंगे 1 और 9 को 3 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 3m स्क्वायर। अब अगर हम m स्क्वायर की वैल्यू लेना चाहें तो हमें क्या करना होगा, जो ये 3 है उसको q स्क्वायर के नीचे ले जाना होगा, q स्क्वायर को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर मान लो ये RHS में m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो ये LHS में जाके डिवाइजर में चला जाएगा, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 3। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, कि q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से। q स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड होके हमें m स्क्वायर देता है, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा, ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 6 स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा था। तो इस तरह से अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, और इसे हम स्टेटमेंट 2 मान लेंगे। अब फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमें क्या पता चलता है कि p एंड q दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि p और q क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स है, तो ये कोप्राइम तो नहीं हुआ, क्योंकि कोप्राइम मैंने क्या बताया था, वो कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा दोनों नंबर 1 के अलावा किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे 1 के अलावा। लेकिन इधर तो p और q दोनों 3 से डिविजिबल हो गए, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर 3 आ गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि p एंड q आर नॉट कोप्राइम, p और q कोप्राइम नहीं है। तो इससे हमारी जो हमने अज्यूम किया था p एंड q कोप्राइम है, वो बात गलत प्रूव हो गई। और वो क्यों गलत प्रूव हुई, क्योंकि हमारी अजम्पशन, सो अवर अजम्पशन दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर प्रूव टू बी रॉन्ग, कि जो हमने अजम्पशन करी थी कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, वो गलत प्रूव हो गई वो बात। तो अब रूट 3 रैशनल नहीं रहा। अब अगर रूट 3 बच्चा रैशनल नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो भी नंबर रूट रैशनल नहीं होता उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब जैसे कि हमने ये माना कि रूट 3 इज नॉट अ रैशनल, सो हम कह देंगे थस रूट 3 इज इरेशनल। तो इस तरह से बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हो गया है।